उनके कानों की प्रॉब्लम है, जितने ऑनलाइन जो जहां पे हैं, खुदावंद आपको कानों की प्रॉब्लम से, समस्या से, उस बीमारी से हील करना। बहन का नाम मनदीप है और ये अजनाला रोड महलावाल गांव के रहने वाले हैं और इनके बेटे की गवाही जे जब बता रहे कि जे 10 साल का हो चुका है और बचपन से इनके दोनों कान बहुत ज्यादा ऐसे रेशा निकलता था और जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास के बहुत ज्यादा मेडिसिन भी ली और जे बता रहे कि जे बहुत परेशान हो चुके थे इसके इस प्रॉब्लम से और जे बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहा था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और जे बहुत परेशान हो चुके थे और जे सिस्टर प्रभु के ऊपर पहले बिलीव नहीं थे करते और फर्स्ट टाइम जैसे जे इस मिनिस्ट्री में आई होशवा रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री के साथ इनको अभी 1 महीना हुआ है जुड़े हुए और बता रहे कि जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जैसे इनके लिए हीलिंग हुई कि जिनके कानों के प्रॉब्लम है और जैसे इस सिस्टर ने इस हीलिंग को रिसीव किया, सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। उनके कानों की प्रॉब्लम है, जितने ऑनलाइन जो जहां पे हैं, खुदावंद आपको कानों की प्रॉब्लम से, समस्या से, उस बीमारी से हील करना। मैंने कहा रिसीव करो उसका आत्मा, आपको शूर और आपके कानों की बीमारी का उपचार है। मैंने कहा रिसीव करो, रिसीव करो, डांटो यीशु मसीह के नाम से, डांटो उस बीमारी को, डांटो उस बीमारी को, आपके कानों की बीमारी से डांटो। मैंने कहा आपके कानों की बीमारी को डांटो यीशु के नाम से, डांटो जितने कानों के रोगी हैं, जितने कानों की प्रॉब्लम है, कहो 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 यीशु मसीह के नाम से कहो। मैंने कहा कहो, आज आप गवाही से आने वाले हो। और जैसे ही सिस्टर ने अपने बेटे के लिए विश्वास के रिसीव किया और जे धन्यवाद देते रहे और जे बता रहे कि परमेश्वर ने जो 10 साल की इसके कानों के रेशे की प्रॉब्लम थी इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। और सुनो सुनो सुनो, अब कितने साल से प्रभु में हो? जहाँ इतो शुरू किया, यहीं से शुरू किया? हाँ जी, इतो शुरू किया है। कितना टाइम हुआ अभी? अभी 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। ये बीमारी, ये प्रॉब्लम इसके कानों की कितने साल से थी? इनु बचपन तो ही। बचपन से थी? हाँ जी। और उसके लिए आपने बहुत सी मेडिसिन इसे खिलाई? हाँ जी, इधर कान भी तबाही ही 2-3 था। अच्छा, कानों को भी आपने उसकी भी ऐसे? हाँ जी। हाँ, तो होना बिल्कुल ठीक ने। कितने डॉक्टर के पास लेकर गए थे? बड़े डॉक्टर को खड़िया ही होने होड़ रमाना है जाके। तारीफ करो सबसे पहले। कहते बहुत डॉक्टरों के पास लेकर गए थे पर अब आकर मान, अब आकर आराम आया। किसके पास आकर? इसलिए उसने कहा हे बोझ तले लोगों मेरे पास आओ। किसके पास आओ? क्योंकि ये सत्य को, उसकी सच्चाई को जानते नहीं थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। जैसे आज भी लोग जानते नहीं है, तो वो अपने दुखों में जीवन, अपनी धार्मिकता तो कर रहे मगर दुखों में अपना जीवन जी रहे हैं और उनके पास ये ज्ञान है कि जो कर्मों में लिखा वही होगा। ऐसा ही ज्ञान है ना संसार का, कि जो कर्मों में लिखा वही होगा। जी क्या कर सकते हैं, अभी लिखा ही ऐसे है। हाँ, क्या है, तकदीरों को कौन बदल सकता है? जो लिखा उसे तो भुगतना पड़ेगा, पर तकदीरों को कौन बदलने वाला परमेश्वर है? उसने बदल दिया। हाँ, बचपन से जब से पैदा हुआ रेशा निकलता था, इतनी मेडिसिन कितने डॉक्टरों के पास लेकर गए पर कोई आराम नहीं आया। पर किसने आराम दिया? किसने दिया? क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जीजस है। बोलो क्या है डॉक्टर? उस डॉक्टर जीजस के लिए, मैंने कहा उस डॉक्टर जीजस के लिए हम जोर से तारीफ करेंगे, हाथों को उठाकर जोर से, जोर से, जोर से, करिदाए जोर से, करिदाए।